नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोग हमको बधाई दे सकते हैं, हम दोनों को बधाई दे सकते हैं, क्योंकि आज हम लोगों का 8वीं एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है ना, 8वीं जो मनाने जा रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, प्रिया और एंजल को भेज दिए हैं स्कूल, सृष्टि केवल जाएगी साथ में, हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम लोग हर बार अपनी एनिवर्सरी में जाते हैं माता रानी का मंदिर, लिलोरी मंदिर, वहाँ मत्था टेकते हैं, थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, अब दरवाज़ा लगाते हैं घर का, उसके बाद अभी निकलेंगे, है ना जी? पूरा रेडी? ठीक है, दिखाते हैं दोस्तों। कुछ बोलेगी क्या? बोलेगी बेटा, ये देख रही है। ठीक है दोस्तों, अभी जाने की तैयारी हो गई है। तो फ्रेंड, ताला लगा लिए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग, लॉक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं ताला लगाने के बाद। तो फ्रेंड, हम लोग जाने के लिए तैयारी कर लिए हैं। देखिए, हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट भी है और हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मेन रोड पे आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं लिलोरी माँ का मंदिर, जो कतरास में है। आप लोगों को पिछला ब्लॉग में हम दिखाए थे, जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है वो देख सकते हैं कि पहले हम लिलोरी मंदिर ब्लॉग बना चुके हैं। तो फ्रेंड, मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, बंद हो पड़ा है, स्टार्ट नहीं हो रहा। देखिए, अभी हम लोग मंदिर जा रहे थे, प्रीति इंतज़ार कर रही है, पिछले आधा घंटा से किक मार के थक गया हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है, मैकेनिक बुलाते हैं या फिर उसके पास लेके जाते हैं गाड़ी। बीच रास्ते में ख़राब हो गई, बंद पड़ गई गाड़ी। देखिए दोस्तों, एक टोटो वाला है भैया जो आए हैं मदद करने के लिए, अब गाड़ी को बना रहे हैं, खोल रहे हैं, क्या क्या देख सकते हैं आप। अब देखते हैं कि इनसे हो पाता है कि नहीं, ये तो बोलें भगवान की दया से ठीक हो जाएगा। जो पलक है खुलने वाला, हाँ लगी तो थोड़ा सा यही सो इसी में ना, हाँ इसी में हो जाएगा, माँ की कृपा से, टेंशन ना लीजिए। हम लोग जा भी रहे हैं वहीं पे, स्थान जा रहे हैं बिलोरी स्थान, तो खुलने को नहीं है। प्रहलाद बाबू भी आ गए हैं स्टार्ट करने के लिए, रास्ते में मिल गए थे। देखिए, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। अब लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। काफ़ी धूप है, प्रीति घुस गई, टोटो में बैठ गई है, और यहाँ मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, अब कैसे जाएंगे? बहुत दिक्कत है दोस्तों। देख रहे हैं दोनों दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा स्टार्ट। अब बीच रास्ते में रोड ख़राब हो गई है। फ्रेंड, हम लोग मैकेनिक का गाड़ी ले लिए और अपना गाड़ी दे दिए उन लोगों को, लेके जा रहा है। देखिए हम लोग, देखिए रास्ता बांध के एकदम जा रहा है लेके, इन लोग दोनों एक दूसरा दोस्त है, और ये रस्सी बांध के बाइक लेके जा रहा है। तो दोस्तों, ये लिलोरी मंदिर का एरिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये बाउंड्री वॉल लिलोरी माँ का ही है, मंदिर का है एरिया सारा। अगल बगल मैरिज हॉल काफ़ी बने हुए हैं और बगल में पार्क भी है, और आपको नज़र आ रहा होगा ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग, थोड़ा ये सब मैरिज हॉल है, यहाँ शादियाँ होती है। ये इस एरिया का बहुत फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस, यहाँ दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। देखिए, आगे हम लिलोरी मंदिर का दुकान में इनसे प्रसाद लेंगे, हम हमेशा इन्हीं से लेते हैं, हमेशा है ना, लेते हैं ना जी, बिल्कुल दीजिए जी दो जगह प्रसाद। किसको लगाएं? किसी को लगाए नहीं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं केवल। ठीक है, अब यहाँ प्रसाद लेंगे और माँ के मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे हम लोग।
पूजा की थाली ले लिए हैं डलिया, अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आइए इसको लीजिए ना, आप भी बाबू को हमको दे दीजिए। कैमरा में नहीं आ रही, आ जा इस साइड में। दोस्तों देखिए आ गए हैं मंदिर, अंदर घुस रहे हैं हम लोग डिलोरी मंदिर। मम्मी लोग उधर माँ डिलोरी का मंदिर पहुंच गए हैं, इधर करेंगे और बैठना बैठना। अब माता रानी का परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग बहुत बढ़िया से। देखिए बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों माता रानी के यहाँ पूजा करने में, बहुत शांति महसूस होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत उम्मीद रहता है कि हम माता से हमें हर खुशियाँ मिले। पूरे सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, बहुत अच्छा लगता है। प्रीति गई है नारियल का बलि करवाने के लिए, नारियल बलि होता है यहाँ पे इस जगह पे। देखिए नारियल बलि हो गया, दोस्तों प्रीति अब चुनरी बांध रही यहाँ पे। ऐसी कोई मनोकामना नहीं होती है लेकिन बांध देती है, जो लोग जैसा चाहे बांधेगी। देखिए चुनरी बांध रही है, नीचे जा रहे हैं। अब पूजा हो गई हमारी, प्रीति दे रही है, ओके छोटे अब यहाँ नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हमारा पूजा हो गया है, अब जा रहा है उस दुकान में जहाँ से हम लोग प्रसाद खरीदे थे। ये बेचारी पीछे पीछे आ रही है, इसको चाहिए जबकि हम सभी लोगों को लगभग दिए हैं, है नहीं पीछे से आते रही आती रही आती रही, अब देना पड़ गया 5 रुपया। जाओ मजे करो ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग पूजा कर लिए हैं, अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सॉरी घर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि अभी तक भूखे हैं। तो किसी होटल में जाकर मीठा उठा कुछ खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। प्रीति को भी भूख लग गई होगी, लगी है कि नहीं जी? हाँ खाएंगे, कुछ खाएंगे कि नहीं? हाँ खाएगी। तो जा रहे हैं जी कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं डिलोरी माँ के मंदिर से, आशीर्वाद ले लिए, जो कहना था कह दिए, रिक्वेस्ट कर लिए कि माता हम सबको खुश रखें, एक साथ रखें, एकता बनाए रखें, मजे से रहने दें, इसी तरह से दिल खुला के हंसते रहें जिंदगी भर, और लोगों को भी हंसाएं थोड़ा बहुत। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं श्री राम मिष्ठान भंडार, कुछ नाश्ता कर लेते हैं। देखिए यही सब खा लेते हैं, और क्या लो लो खाओ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं, मीठा खा रहे हैं, देख सकते हैं रसगुल्ला लिए हैं, हम लोग यही खा रहे हैं, यही सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग दोनों। बैठिए जल्दी अब चलें। दोस्तों यहाँ नाश्ता हो गया हमारा हम लोग दोनों का, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सिर्फ घर के लिए डायरेक्ट। अब देख लेते हैं वहाँ हमारी गाड़ी बनी कि नहीं, बन गई होगी तो अपनी गाड़ी लेकर निकलेंगे। तो दोस्तों फाइनली अपना गाड़ी ठीक हो गया है,
लोग बनवा कर जा रहे हैं। मिल गया गाड़ी, कोयल जल गया था गाड़ी का, कल भी ख़राब हुई थी गाड़ी, कोयल चेंज हुआ था, एक मैकेनिक था तो क्लासिक किया, पुराना कोयल लगा दिया, आज नया कोयल लगा के अभी घर जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पूजा करके आ गए हैं अपना घर। हाँ प्रिया भी आ गई, एंजल भी आ गई, स्कूल छुट्टी हो गया इनका। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं और हमें विश करें हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच।